हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए डी रॉ सीरीज़ को शुरू किया है। इस सीरीज़ के अंदर हम अलग अलग चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जैसे कि पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हम सब्जेक्ट्स को भी MCQs के द्वारा कवर कर रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास के अंदर जनरल साइंस के, दैट इज़ बायोलॉजी से रिलेटेड, हमने MCQs को सॉल्व किया था। उसी सीरीज़ के उसी सीक्वेंस के अंदर ये आपका सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर भी हम बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको HPS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको MCQs की PDFs भी मिल जाएगी। तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के कुछ टॉपिक से। बायोलॉजी के अंदर आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं MCQs के द्वारा, वो रहेंगे आपके डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपका प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, BMI हो गया। देन इज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे और अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में हम देखेंगे। देन इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसके अंदर ह्यूमन्स की जो बोन्स वगैरह हैं और जॉइंट्स वगैरह को हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। ये आपका प्रीवियस ईयर हिमाचल का क्वेश्चन है, जो कि है रतौंधी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिंस। तो आपके डाइट एंड न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में से डायरेक्टली रतौंधी के बारे में पूछा गया है। रतौंधी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप रात को अच्छे से नहीं देख सकते हैं, और ये आपकी विटामिंस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और आपका जो विटामिन ए है, दैट इज रेटिनॉल भी कह देते हैं, रेटिनोइक एसिड भी कह देते हैं, तो अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, दैट इज रतौंधी होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि विटामिंस दो टाइप्स के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल होते हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिंस होते हैं, वो अगर एक बार आप उसको ले लो तो उसको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वाटर सॉल्युबल, क्योंकि आपकी बॉडी में से जो वाटर है बार बार आपकी रिलीज होता रहता है यूरिन के द्वारा, तो इस वजह से ऐसे विटामिंस को लेने की ज़रूरत पड़ती है। आपने याद रखना है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिंस हैं, दैट इज ADEK, एंड जो वाटर सॉल्युबल विटामिंस है, दैट इज B and C। बी के जो कॉम्प्लेक्स है, पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा वाटर सॉल्युबल होता है। इसके अलावा आपने इन सबके जो साइंटिफिक नेम्स है उसको भी याद रखना है, जैसे कि ए को हम रेटिनोल कहते हैं, के को फाइलोक्विनोन कहते हैं, सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इवन आपने इनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीजेस को भी याद रखना है, जैसे कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ को हम स्कर्वी कहते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गम ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है। इन द सेम वे, जैसे जो डी विटामिन है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स एंड मलेशिया होता है, जिसके अंदर जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। रिकेट्स हम बच्चों में बोल देते हैं और ऑस्टियोमलेशिया हम बड़ों में बोल देते हैं। इन द सेम वे, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैल्मिया होता है। जीरोथैल्मिया का सिंपल सा मतलब है आई के अंदर ड्राइनेस होने लग जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो विटामिन ई है, वो स्टेरिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करता है, इवन यहाँ पे एनीमिया से रिलेटेड प्रॉब्लम भी करता है। जो विटामिन के है, उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो एक तरह से खराब हो जाता है, तो इस जैसे अच्छे से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। दैट मींस अगर किसी को टिश्यू इंजरी हुई है तो वहां से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। तो ऐसे ही आपने अलग अलग जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं उनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। ये भी आपका HAS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्टली आपको अलग अलग चीजों के बारे में दिया गया है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है क्वेश्चन। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहां होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहां से प्रोड्यूस होता है, अमाइलेज कहां होता है, और बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है। तो जैसा कि आप जानते है कि जो बाइल जूस है उसको लिवर प्रोड्यूस करता है। देन इज आपका जो अमाइलेज है, अगर मैं सलाइवरी अमाइलेज के बारे में बात करूं तो आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी बक्कल कैविटी के अंदर अलग अलग जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो इस एंजाइम को रिलीज करती हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया जा सके। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक इज रिलेटेड टू योर स्टमक, और स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती हैं। तो यहां पर आपका इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक आ जाएगा। इन द सेम वे, अगर मैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में बात करूं, तो दैट मींस ऐसी मूवमेंट, एक ऐसी मूवमेंट होती है जो कि खाने को बेसिकली आपके एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू मूव करवाती है, आपकी मस्कुलर मूवमेंट होती है। तो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती है। तो इस हिसाब से अगर आप इसका आंसर देखेंगे, दैट विल बी योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डाइजेशन ऑफ लिपिड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लिपिड्स हैं बेसिकली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से मिलकर बने हुए होते हैं।
तो दैट मीन्स ऐसे एंजाइम्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि फैट्स को डाइजेस्ट कर सकें। तो यहाँ पे जो पेप्सिन की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं बाइल के बारे में बात करूं तो ये जो बाइल जूस होता है इसके अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, तो हम इसको बेसिकली जो बाइल होता है वो फैट्स की इमल्सिफिकेशन के लिए हेल्प करता है। इमल्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर एक फैट का बहुत बड़ा ग्लोब्यूल है, उस फैट के ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो बाइल जूस है वो हेल्प करता है। बेसिकली यहाँ पे मिसल्स बनती हैं और इसी की वजह से जो फैट्स हैं उनकी इमल्सिफिकेशन हो जाती है। तो अगर इस हिसाब से मैं फैट्स की डाइजेशन के लिए देखूँ तो कौन कौन सी चीज़ें हेल्पफुल रहेंगी यहाँ पर, एक तो बाइल जूस जो कि फैट्स की इमल्सिफिकेशन करवाएगा, और दूसरा है आपके लाइपेजेस जो कि आपके लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज़ 2 and 3 ओनली। आपने ध्यान देना है जैसे लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए अगर हम लिपिड्स के आगे एजेस लगा देंगे तो वो लाइपेजेस बन जाएगा। इन द सेम वे अगर हम सैकराइड्स को डाइजेस्ट करना है तो सैकरेजेस हो जाएगा, जैसे कि मोनोसैकराइड को डाइजेस्ट करने के लिए मोनोसैकराइडेजेस, दैट मीन्स एंजाइम्स के पीछे आपके एजेस लग जाते हैं। इन द सेम वे आपके जैसे प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए एक तो पेप्सिन होता है, इन द सेम वे प्रोटीएजेस भी होते हैं। तो ऐसे आप कुछ वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। सबसे पहली बात, एक्सोथर्मिक का मतलब होता क्या है? एक्सोथर्मिक का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी रिलीज हुई है। तो अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ तो रेस्पिरेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, और यही एटीपीज जो हैं वो आपको हेल्प करते हैं अलग डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो दैट मीन्स जो आपकी रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अगर आप इसी को इसी रिएक्शन से लिंक करना चाहें तो यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो एक ऑर्गेनिक मैटर ही है जिसकी डीकम्पोजिशन होने पर यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करूँ कि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की बिल्कुल उल्टी प्रोसेस होती है, दैट मीन्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ किया जाता है ताकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बनाया जा सके, और अल्टीमेटली ये करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दैट मीन्स इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉट एक्सोथर्मिक। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपका जो आंसर बनेगा दैट इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्केलेटल सिस्टम से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मूविंग बोन इन द स्कल। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी मूविंग बोन है। जैसा कि आप जानते हैं आपके स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं, उन 22 में से सिर्फ एक ही बोन ऐसी है जो कि मूव कर सकती है, एंड दैट इज़ योर लोअर जॉ, जिसको हम मैंडिबल के नाम से भी जानते हैं। तो लोअर जॉ जो है वो ऐसी बोन है स्कल के अंदर जो मूव कर सकती है। मैक्सिला आपका अपर जॉ होता है, वो बेसिकली मूव नहीं करता है। अगर मैं फीमर के बारे में बात करूँ तो फीमर आपकी थाई बोन होती है, तो दैट मीन्स ये बोन जो है वो स्कल के अंदर नहीं प्रेजेंट होती। नेक्स्ट अगर मैं ह्यूमरस बोन के बारे में बात करूं तो आपके शोल्डर और एल्बो के बीच वाली जो बोन होती है दैट इज योर ह्यूमरस बोन, दैट मींस इट इज आल्सो नॉट प्रेजेंट इन द स्कल। तो यहां पे आपका जो आंसर बनेगा दैट इज मेंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको जॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, द जॉइंट प्रेजेंट इन द नी इज। जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग बोन्स जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, इवन आपके जो मसल्स हैं वो बोन्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं और पर्टिकुलर जॉइंट से ही कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर अगर बोन टू बोन एक जॉइंट बना रहेगा तो उस वजह से कोई भी बोन को हम मूवमेंट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो लेग है उसमें जो अपर लेग और जो लोअर लेग है उसके बीच में जैसे नी प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर जॉइंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम लोअर लेग की मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं बात करूं कि नी के अंदर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है तो वहां पर हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो यहां पर देख लेते हैं कुछ जॉइंट्स के बारे में। जैसे कि अगर मैं हिंज जॉइंट के बारे में बात करूं तो वो पर्टिकुलर एंगल तक ही मूव कर सकता है, जैसे कि आपके एल्बो वाले जॉइंट के अंदर भी आपका हिंज जॉइंट होता है और आपके नी जॉइंट के अंदर भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर ऐसा जॉइंट है जो कि 360 डिग्री मूव कर सकता है, जैसे कि आपका शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट के अंदर आप पूरी की पूरी जो अपनी आर्म है उसको मूव कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट है आपका पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट जो होता है वो आपके फर्स्ट टू वर्टिब्रेस के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर मैं बोलूँ आपके फर्स्ट वर्टिब्रे एंड स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप जो अपनी नेक की मूवमेंट कर पा रहे हैं दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर पाइवेट जॉइंट। तो ये जो पाइवेट जॉइंट होता है बेसिकली 180 डिग्रीज ही आपको किसी चीज़ की मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो कि कोई भी मूवमेंट नहीं करवाते हैं। जैसे अगर मैं स्कल के बारे में बात करूं तो स्कल में आपके बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करती। दैट मींस वो एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा लिंक्ड होती है कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। तो आपकी स्कल के अंदर जो बोन्स होती हैं ज़्यादातर वहाँ पे फाइब्रस जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी योर हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया है जो कि डायरेक्टली आपके न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर से पूछा गया है। देखो आपने करना क्या है, जो भी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पहले आपने वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अपने माइंड में आंसर सोच लेना या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर वो आंसर ठीक हुआ तब तो ठीक है, अगर नहीं ठीक हुआ तो जो चीज़ें आपके आंसर में गलत हुई हैं उन चीज़ों को आपने नोट डाउन कर लेना है ताकि वो चीज़ें बार बार गलत ना हो। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द बॉडी। दैट मीन्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो बेसिकली, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी, छोटे छोटे जो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और अल्टीमेटली यहाँ पर पेप्टाइड्स बन जाते हैं। ऐसे ही जब लॉन्ग लॉन्ग पेप्टाइड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो वो बना लेती हैं प्रोटीन्स। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ कि प्लांट फूड सच एज पल्सेस, नट्स, सीड्स आर फूड्स ऑफ लो बायोलॉजिकल वैल्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लो बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब होता क्या है। देखो आपके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक असेंशियल अमाइनो एसिड और दूसरा है नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड। असेंशियल अमाइनो एसिड का सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी बॉडी उसको नहीं बना सकती और इसलिए आपको बाहर से उन अमाइनो एसिड्स को लेने की ज़रूरत है। तो वो अमाइनो एसिड आप कहाँ से लेंगे? ऑफ कोर्स कोई ना कोई डाइट से लेंगे। अगर उस डाइट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ असेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है तब तो वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू हो जाएगा, लेकिन अगर उस डाइट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ असेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं है तब उसको हम लो बायोलॉजिकल वैल्यू कहते हैं। तो आपके जो पल्सेस, नट्स और सीड्स होते हैं उसके अंदर असेंशियल अमाइनो एसिड्स तो होते हैं लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होते। तो सफिशिएंट अमाउंट में कहाँ होते हैं? जैसे कि आपके फिश हो गया, मीट हो गया, तो इसके अंदर ज़्यादा आपके असेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपके हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए आपका ये वाली सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी क्योंकि इनमें सब में लो बायोलॉजिकल वैल्यू होती है। थर्ड अगर स्टेटमेंट की मैं बात करूँ कि कंजम्पशन ऑफ एक्सेस प्रोटीन्स कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज वाश्योरकर। तो आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी से रिलेटेड दो डिजीजेस होती हैं, एक आपकी है वाश्योरकर और दूसरी है मरासिमस। दैट मींस पहली बात, ये एक्सेस प्रोटीन की वजह से तो नहीं हो रही है। तो अगर मैं यहाँ से इसका आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो आपका इसका आंसर बनेगा 1 और 2 ओनली। इसके अलावा अगर मैं प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में आपको बताऊं कि एक वाश्योरकर है और एक आपका मरासिमस है, तो दोनों के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो होती है लेकिन वाश्योरकर के अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होती। दैट मींस फैट्स हो गया और आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, उनकी डेफिशिएंसी नहीं होती है। इस वजह से ये जो बच्चे होते हैं उनका फैटी लीवर होता है और ये उन बच्चों में देखने को मिलता है जो कि 3 मंथ्स से ज़्यादा के होते हैं और 6 साल से कम तक के होते हैं। अगर मैं मरासिमस के बारे में बात करूं तो ये एक ऐसी प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है जिसके अंदर प्रोटीन्स के साथ साथ बाकी के न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाएगी, फैट्स की कमी हो जाएगी। तो ऐसे बच्चे जो हैं इनकी प्रोमिनेंट रिब्स हो जाती हैं, दैट मीन्स इनकी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा दिखने लग जाती हैं बाहर। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन जो मरासिमस है वो 1 साल से कम तक के बच्चों को होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपको न्यूट्रिशन से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है। अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो हम पढ़ते हैं, जैसे ऑटोट्रॉफ्स हो गया, सेप्रोट्रॉफ्स हो गया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है आपने। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। तो दे मेक देयर ओन फूड।
तो यहाँ से अगर मैं ए का फोर्थ ऑप्शन कैलकुलेट करूँ तो आप फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स जो हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर अपना बेसिकली डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपकी कई टाइप की फंगस हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ से अगर मैं थर्ड ऑप्शन कैलकुलेट करूँ तो आपका इसका आंसर पहली बात तो बन जाएगा डी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पैरासाइट के बारे में। तो पैरासाइट भी किसी ना किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो जो होस्ट है वो सेप्रोफाइट की तरह डेड नहीं होता है, वो लिविंग होता है। तो इस वजह से दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग होस्ट। तो अगर मैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करूँ तो बेसिकली इसके अंदर 5 प्रोसेसेज इन्वॉल्व रहती हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर बेसिकली होता है। वो सबसे पहले खाने को इंजेस्ट करते हैं, दैट मीन्स बकल कैविटी के अंदर डालते हैं। उसके बाद हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग एंजाइम्स के द्वारा उनकी ब्रेकडाउन होती है, जिसको हम डाइजेशन कह देते हैं। फिर है एब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स जो ब्रेकडाउन हुआ खाना है उसको ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाएगा। जैसे कि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो ग्लूकोज में, दैट मीन्स मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होकर आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके बाद जो ग्लूकोज है अलग अलग सेल तक पहुँचते हैं तो इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। और जो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बचा कुचा खाना है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन और एनल कैनाल के द्वारा इजेस्ट हो जाता है, दैट मीन्स बाहर निकल जाता है। तो इन सारी की सारी 5 की 5 प्रोसेसेस को हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर काउंट करते हैं। इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगेन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी परमानेंट ह्यूमन टीथ का जो फॉर्मूला है दैट इज 2-1-2-3। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे मैं आपको डायरेक्टली आप इसका आंसर प्रोवाइड कर देती हूं। अगर मैं बात करूं ह्यूमन टीथ के बारे में तो ह्यूमन के जो टीथ हैं वो 2 बार आते हैं। एक बार टेम्परेरी टीथ आते हैं जिनको हम मिल्क टीथ कह देते हैं, और दूसरी बार परमानेंट टीथ आते हैं। तो यहाँ पे टीथ का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, जैसे कि इंसीजर्स हो गया, कैनाइंस हो गया, देन इज प्री मोलर हो गया और फिर मोलर हो गया। तो इसी सीक्वेंस में ह्यूमन टीथ का फॉर्मूला लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बच्चों में जिनके अंदर मिल्क टीथ होते हैं तो उनके अंदर 2 इंसीजर्स होते हैं, 1 कैनाइन होता है, कोई भी प्री मोलर नहीं होता और 2 मोलर होते हैं। इस हिसाब से उनके टोटल 20 टीथ होते हैं। दैट मीन्स ये आपका जो अपर जॉ है उसका एक तरफ वाला फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। इन द सेम वे आप इसको इंटू 4 करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स 2+1+2 इज 5, 5 × 4 = 20, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टोटल 20 टीथ होते हैं। इन द सेम वे तो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो परमानेंट टीथ के अंदर आपके 2-1-2-3 फॉर्मूला होता है, ये भी बिल्कुल सही है। 2 इंसीजर्स होते हैं, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं, जिसमें से जो लास्ट वाला मोलर होता है, लास्ट वाले मोलर्स होते हैं वो आपके विजडम टीथ होते हैं। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अगेन 2+1+2+3 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 × 4 अगर आप करेंगे दैट विल बी योर 32। तो दैट मींस परमानेंट सेट जो होता है वो 32 दांतों का होता है। तो सेकंड, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन ह्यूमंस, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। आपकी बक्कल कैविटी के अंदर टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। इसको हम 3 पेयर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे होती है, एक तो आपके जस्ट ईयर लोब के नीचे प्रेजेंट होती है जिसको हम पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। तो आपके दोनों ईयर लोब्स के नीचे एक एक पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फिर आपके टंग के नीचे 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम सब लिंगुअल ग्लैंड्स कह देते हैं। तो इस तरीके से 4 ग्लैंड्स होगी टोटल। इन द सेम वे आपके पैरोटिड ग्लैंड के ही जस्ट नीचे, दैट मीन्स आपके मैंडिबल पोर्शन में ही आपके 2 और ग्लैंड्स होती हैं, दोनों ईच साइड पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिबुलर ग्लैंड कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 ग्लैंड्स होती हैं, इसको हम 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। अगर मैं बात करूँ कि सलाइवरी अमाइलेज की, तो ये जो ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि आपकी सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो प्रोटीन्स को नहीं कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसलिए अगर मैं यहाँ से फोर्थ स्टेटमेंट को एलिमिनेट करूँ तो आप डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर इसके अलावा भी मैं थर्ड स्टेटमेंट को करेक्ट करूं तो यहाँ पे इसमें थर्ड स्टेटमेंट नहीं है तो आप बी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और इन द सेम वे अगर मैं सेकंड ऑप्शन को भी यहाँ पर करेक्ट करूं तो क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपकी सेकंड स्टेटमेंट नहीं है तो वो भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और इस तरीके से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज सी ऑप्शन।
एक बार फिर भी हम फिफ्थ वाली स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि नो डाइजेशन अकर इन योर ईसोफेगस। जो ईसोफेगस वाला पोर्शन है बेसिकली आपके फेरिक्स वाले नीचे से शुरू होता है और स्टमक के ऊपर तक का जो पोर्शन होता है उसके अंदर सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, उसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। वो सिर्फ आपके बक्कल कैविटी से स्टमक में खाना ले जाने के लिए हेल्प करता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। डाइजेशन के रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहला है कि कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो माउथ से शुरू होती है। तो आपने इसको पॉज करके अगेन इसको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपके बक्कल कैविटी के अंदर जो सलाइवा होता है उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है और वो सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो दैट मींस आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है वो माउथ से ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम स्टमक, तो आपकी बक्कल कैविटी में प्रोटीन्स की कोई भी डाइजेशन नहीं होती है क्योंकि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और वो एसिडिक पीएच पर ही काम करते हैं। तो क्योंकि आपके सलाइवा में इतनी ज़्यादा एसिडिक पीएच नहीं होती है तो इस वजह से जो प्रोटीन्स की डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर शुरू होती है, जो कि यहाँ पर अलग अलग आपके आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया, देन इज रेनिन हो गया। रेनिन बेसिकली आपके छोटे बच्चों में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, जो कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंजाइम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो आपकी जो प्रोटीन्स की डाइजेशन है वो स्टमक में शुरू होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि जो न्यूक्लिक एसिड क्या है, बेसिकली आपके डीएनएज एंड आरएनए, उसको डाइजेस्ट करने के जो एंजाइम्स हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से न्यूक्लिक एसिड की जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही शुरू होती है, स्टमक और माउथ में उनकी डाइजेशन नहीं होती। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं विलाइज के बारे में बात करूँ जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो बेसिकली ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और इन स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो हैं न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, अब उन मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ना कोई सरफेस एरिया भी तो चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर देती हैं। तो बेसिकली इन्हीं को ही हम विलाइज कहते हैं और विलाइज जो हैं वो इस पर्टिकुलर फॉर्म में इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि सरफेस एरिया को इनक्रीज़ किया जा सके। आप देख सकते हैं कि अगर मैं प्लेन ऐसे कोई लाइनिंग बना दूं और ऐसे कर्व्ड लाइनिंग बना दूं तो कौन से वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स कर्व्ड वाले का। तो दैट मीन्स जो विलाई होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। इस हिसाब से आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूछा गया है। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो जैसे कि आप जानते हैं आप एयर को इनहेल करते हैं और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाती है, लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स से वो ब्लड में कैसे जाती है? तो वहाँ पर कोई ना कोई ऑर्गन तो प्रेजेंट होगा ही ना। तो वहाँ पर बेसिकली एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं, जो कि एल्वियोलाइज के अंदर ये सारी की सारी एयर जाती है, ऑक्सीजन जाती है और वहाँ से एल्वियोलाई के आसपास कुछ ना कुछ ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये पूरी की पूरी जो ऑक्सीजन है वो चले जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे गैशियस एक्सचेंज के लिए आपके पास एल्वियोलाई प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं बाकी के यहाँ पे ऑर्गन्स के बारे में बात करूँ, जैसे कि आपका फेरिक्स हो गया, तो नेजल चैम्बर के बाद आपका जो एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं सिंगल चैम्बर जहाँ से आपका फूड और एयर का पैसेज वे होता है, तो उसको हम फेरिक्स कहते हैं। दैट मीन्स अगर आपने एयर पैसेज करनी है तो उस टाइम पे आपकी जो फूड पाइप है वो बंद रहेगी। अगर आपने फूड को इनगल्फ करना है एक तरह से, तो उस टाइम पे आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो बंद रहेगा, ठीक है, एपिग्लॉटिस से वो बंद रहता है। तो एक कॉमन पैसेज वे को हम फेरिक कहते हैं। देन इज़ योर लैरिक्स। लैरिक्स को हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हम बेसिकली मेल्स के अंदर एडम्स एप्पल से भी जानते हैं। देन इज योर ट्रैकिया, जो कि आपकी ये वाली विंड पाइप है जिसके ऊपर आपकी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और बेसिकली ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से पूछा गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा पूछा है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड लंग्स इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसेस के नाम से अलग अलग चीज़ें जानी जाती हैं। जैसे कि आपने अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और वहाँ से हवा को ब्रीद किया तो ये आपकी लंग्स में जाएगी,
ठीक है। तो इस प्रोसेस को तो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को तो हम ब्रीदिंग कहते हैं। उसके बाद जो हवा आपके लंग्स में गई है, लंग्स से वो ब्लड में जब एक्सचेंज होगी तो उस टाइम पे उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद ब्लड में से जो ऑक्सीजन होती है वो आपके टिश्यूज़ के पास जाती है और वहाँ पे भी एक्सचेंज होता है। जो टिश्यूज़ के साथ ब्लड का ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। और उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर चली जाती है और उस टाइम पे वो यूटिलाइज हो जाती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, तो उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और ब्रीदिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि बाहर से जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ एयर है उसको हम ब्रीदिंग कह देते हैं, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है। तो दैट मीन्स अगर मैंने गैसेज को एक्सचेंज करना है अपने लंग्स और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से, तो इस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। इस चीज़ के बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो जब इनहेलेशन होती है तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दी गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे। जब भी आप हवा को इनहेल करते हैं तो उस टाइम पे आपकी जो लंग्स हैं वो आउटवर्ड मूव करती हैं और लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, तो इस वजह से फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। अगर मैं बात करूं कि जब लंग्स में हवा भरने लगती है या फिर जिस टाइम पे इनहेलेशन होती है तो उस टाइम पे जो डायफ्राम होता है, ठीक है, वो बेसिकली नीचे को कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसी वजह से जो लंग्स का एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इसी वजह से इंक्रीज होता है क्योंकि डायफ्राम जो है वो नीचे कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसके अलावा जो रिब्स के अंदर यहाँ पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं वो भी आउटवर्ड मूव करती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो इस वजह से इंटरकोस्टल मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो आपका डायफ्राम है उसका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है और अल्टीमेटली जो हवा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। दैट मीन्स बाहर से वो लंग्स के टूवर्ड्स मूव करने लग जाती है। तो दैट मीन्स ये सब चीज़ें आपकी इनहेलेशन के टाइम पर होती हैं। दैट मीन्स आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी ऑल ऑफ द अबव। इसके अलावा अगर मैं एक्सहेलेशन के बारे में बात करूं तो इसी का बिल्कुल उल्टा एक्सहेलेशन के टाइम पर होता है। दैट मीन्स जो लंग्स का वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा, लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तभी जो हवा है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर दैट मीन्स लंग्स से बाहर को मूव करेगी। इसके अलावा जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो कि रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगी और जो डायफ्राम है वो भी अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, वो भी आकर रिलैक्स करने लगेगा। तो ये सब चीज़ें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पर होती हैं। इसके रिगार्डिंग आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, दैट इज योर बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? तो यहाँ पे अलग अलग आपको चीज़ें दी गई हैं, आपने एक बार इसको रीड करना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखो, बॉडी मास इंडेक्स के अंदर हम वेट और हाइट को बेसिकली एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जो BMI है उसके अंदर जो वेट है वो किलोग्राम्स में कैलकुलेट किया जाता है, डिवाइडेड बाय जो हाइट है वो मीटर्स में होती है और उसका स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि स्क्वायर भी दिया होना चाहिए और वो मीटर में होनी चाहिए हाइट, इसके अलावा जो वेट है वो किलोग्राम्स में होना चाहिए। जब भी आप अपने वेट को किलोग्राम्स में और हाइट को जो कि मीटर्स में है उसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो उस टाइम पे कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। अगर आपकी वैल्यू 18.5 से नीचे आती है दैट मीन्स आप अंडरवेट हैं। इन द सेम वे आपकी जो वैल्यू है जो जहाँ पर भी लाई करेगी तो इस हिसाब से आप अपना वेट स्टेटस जो है वो जान सकते हैं। अगर मैं हेल्दी लोगों के बारे में बात करूँ तो उनका जो BMI होता है वो 18 से लेके 25 तक के बीच में होता है। इस चीज़ के बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो मोनोसेकेराइड की यूनिट से बने होते हैं। इन द सेम वे जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। एक अमाइनो एसिड जब दूसरे अमाइनो एसिड से ज्वाइन करता है तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनता है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। दैट मीन्स दो अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है।
इन द सेम वे दो मोनोसेकेराइड्स को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी। तो इस हिसाब से आपकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर मैं लास्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ कि जो सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, वो सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही होगी। तो जो ग्लूकोज के मोनोसेकेराइड के यूनिट्स होते हैं उनको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा ज्वाइन करके ही सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन को बनाया जाता है। इन तीनों को बेसिकली बनते ये ग्लूकोज से ही हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है। जैसे कि सेलुलोज के अंदर जो ग्लूकोज हैं वो लीनियर फैशन में ज्वाइंट होते हैं, इन द सेम वे स्टार्च के अंदर जो ग्लूकोज हैं वो पर्टिकुलर अलग फैशन में ज्वाइंट होते हैं, जिसमें एक आपका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और एक आपका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन भी कह देते हैं। अगर मैं ग्लाइकोजन के बारे में बात करूँ तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अगर ब्रांच स्ट्रक्चर में अरेंज रहेंगे तो उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। इसके अलावा जो सेल्यूलोज होता है वो प्लांट के सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है, जो स्टार्च है वो प्लांट का स्टोरेज मटेरियल है, और जो आपका ग्लाइकोजन है वो एनिमल्स का स्टोरेज मटेरियल होता है। जैसे कि अगर आपने किसी दिन ज़्यादा ग्लूकोज को खा लिया, कार्बोहाइड्रेट्स को खा लिया, तो उस टाइम पे अगर बॉडी को इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत नहीं है तो वो सारे के सारे जो ग्लूकोज हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे। दैट मीन्स ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल की स्टोरेज फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो यहाँ पे आपकी थर्ड स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही रहेगी, इसलिए आपका आंसर बनेगा 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको रेस्पिरेशन से जो कंबाइनिंग मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से और बनाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। इसको पॉज करके आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट करें, सारी की सारी स्टेटमेंट्स को रीड करें। जैसे कि आपकी सेकंड स्टेटमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड दैट मीन्स CO जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। तो अगर यहाँ पे मैं करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है तो उस टाइम पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है तो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कहते हैं। इन द सेम वे जो लोग ज़्यादा टोबैको लेते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, तो उस टाइम पे अनबर्नड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है, मतलब जो भी पर्सन स्मोक करते हैं जब उनकी बॉडी के अंदर जाती है तब वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाती है और वो बना लेती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। दैट मीन्स जो आपकी बी और सी स्टेटमेंट है वो उल्टी दे दी गई है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। इवन आपके जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन के कंबाइन करने से बनता है वो इररिवर्सिबल होता है। दैट मीन्स इस टाइम पे जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसी वजह से जो लोग स्मोक करते हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही होगी। जैसे कि अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करूं तो वो आपकी 9 मीटर लंबी होती है, जिसमें से आपको 6 से 7 मीटर तक की स्मॉल इंटेस्टाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सीक्वेंस होता है, पहले डियोडेनम आता है, फिर इलियम आता है, फिर जेजुनम आता है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि डियोडेनम के बाद नेक्स्ट आता है आपका जेजुनम और उसके बाद आता है इलियम, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस आपने ध्यान रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, इस वजह से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज बी ऑप्शन। अगर मैं सी स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि जो सीकम है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहले वाला पार्ट है सीकम, जिसको हम ब्लाइंड सैक भी कह देते हैं, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। इवन यहाँ से ही आपका जो अपेंडिक्स है वो प्रोट्रूड करता है, ठीक है। तो ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है, तो सीकम भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। अगर मैं डी ऑप्शन के बारे में बात करूं, द सीक्वेंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज अ सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। तो आपका जो बेसिकली आप देख सकते हैं कि कोलोन के आपका सीकम के बाद फिर कोलोन शुरू हो जाता है, उसके बाद आपका रेक्टम है जिसके अंदर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसिस होती है, देन इज योर एनल कैनाल, ठीक है, जिसके द्वारा एक्सक्रीशन हो जाती है, सॉरी आपके जो फीसिस है वो रिमूव आउट हो जाते हैं। तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान में रखना है। तो आपका इसका जो आंसर बनेगा दैट इज योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको बाइल जूस के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाइल जूस है वो
लिवर बनाता है और टेम्परेरीली एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं और हिंदी में हम इसको पित्ता भी कह देते हैं। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है और अल्टीमेटली वहाँ से एक कैनाल आती है जो कि आपके ड्यूओडेनम वाले पोर्शन में आती है। तो ये आपका ड्यूओडेनम वाला पोर्शन है और यहाँ से लिवर से जो कैनाल आ रही है वो बेसिकली बाइल जूस को ड्यूओडेनम वाले पोर्शन के अंदर रिलीज कर देती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ कि बाइल के अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी सही है। इवन बाइल जूस के अंदर ऑर्गेनिक आयंस और सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन बाइल के अंदर कभी भी डाइजेस्टिव एंजाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स और आयंस होते हैं वो फैट्स की इमल्सिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में, इसीलिए बाइल को हम कहते हैं कि फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन कोई भी एंजाइम बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो इस वजह से आपकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी वो आपका सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्टली आपको अलग अलग ऑर्गन्स की पीएच के बारे में पूछ लिया जाएगा, जैसे सलाइवा की कितनी पीएच है, गैस्ट्रिक जूस जो कि आपके स्टमक में होता है उसकी कितनी पीएच है, पेनक्रियाटिक जूस की कितनी पीएच है और इंटेस्टाइनल जूस की कितनी पीएच है। अगर आपको पता है कि हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा लो पीएच होती है, तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी ऑप्शन के बारे में देखूँ तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वहाँ पे सबसे कम पीएच होनी चाहिए। दैट मीन्स जो टू पीएच है वो आपकी स्टमक की होती है। तो इस वजह से आप बी एंड डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सलाइवा की, तो सलाइवा के बारे में अगर आपको पता होगा कि स्लाइटली एसिडिक पीएच होती है, दैट मीन 6.5 पीएच होती है, तब भी आप इस आंसर को बेसिकली बहुत इजीली कर सकते थे। तो आपकी सलाइवा की जो पीएच है वो 6.5 होती है, स्टमक की पीएच आपकी 2 के अराउंड होती है, पेनक्रियाटिक जूस की आपकी 6 से 7 और 7 से 8 के बीच में वेरी करती रहती है। इवन आपकी जो इंटेस्टाइनल जूस है वो भी आपके 7 से 8 के बीच में वेरी करती रहती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अलग अलग आपके ऑर्गन्स आते हैं उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपने अरेंज करना है कि खाना कहाँ से कहाँ मूव करता है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा बक्कल कैविटी जो कि आपका माउथ है, उसके बाद आपकी आती है ईसोफेगस जो कि आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, बेसिकली बक्कल कैविटी से खाने को स्टमक के अंदर लेकर जाती है। फिर नेक्स्ट है आपका स्टमक, उसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके अंदर डियोडेनम, जेजुनम और इलियम का पोर्शन आता है। फिर लास्ट में आपके आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन जिसके अंदर आपका सीकम का पोर्शन, कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल होती है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज योर ए ऑप्शन। तो आई होप आपको यहां तक इन चारों चैप्टर्स के बारे में समझ में आया होगा। इन चारों चैप्टर्स के रिगार्डिंग मैंने जितने भी एमसीक्यूज करवाए हैं आई होप आपको उनके बारे में भी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स को एमसीक्यूज के द्वारा ही कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।